एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी सियासी खबर है। दरअसल कांग्रेस ने गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी को एक नई जिम्मेदारी दे दी है और पार्टी में भीतरघात को टालने की कोशिश के तहत उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। गजेंद्र सिंह को अब महू का प्रभारी बनाया गया, लेकिन खास बात यह भी है कि गजेंद्र सिंह को उनके गृह जिले से बाहर भी भेज दिया गया है। बता दें कि टिकट नहीं मिलने पर गजेंद्र सिंह ने इस्तीफा तक दे दिया था, पार्टी से बाहर चले गए थे। भीतरघात का डर सताने लगा था कांग्रेस को। इसके बाद कमलनाथ ने ही इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और कमलनाथ ने मुलाकात करके उनकी पार्टी में वापसी कराई, लेकिन अब उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि जो भीतरघात का डर है, जो अंदर खाने नाराजगी का डर है, उसको शांत तो किया गया, लेकिन इस तरीके से जिम्मेदारी देकर के इसे थाम लिया जाएगा। सहयोगी आशीष मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, समझना चाहेंगे, दो स्थिति है, एक तरफ उन्हें नई जिम्मेदारी तो मिली है लेकिन उनको उनके गृह जिले से बाहर भी भेजा गया है, कैसे दिख रहा है ये? जी बिल्कुल, देखिए इंदौर से धार जिले का यह मामला है जहाँ पे गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी टिकट मांग रहे थे, वहीं टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने कमलनाथ जी ने उनको बुलाकर उनसे मुलाकात करी और उनकी पार्टी में वापसी करवाई है। उन्होंने एक नई जिम्मेदारी मिली है जो कि महू, इंदौर के महू ग्रामीण विधानसभा से उनको जिम्मेदारी मिली है, जहाँ पर महू पर जो प्रत्याशी है रामकिशोर शुक्ला, उनको जिताने की इनको जिम्मेदारी मिली है। जी, लेकिन इसको किस तरीके से देखा जाए आप आशीष, क्योंकि ठीक है उन्हें प्रभारी बनाया गया है लेकिन महू का बनाया गया, उनके गृह जिले से बाहर भेजा गया, क्या उससे वो संतुष्ट है, उनकी रजामंदी के साथ उनको ये जिम्मेदारी दी गई है? जी बिल्कुल, बात करें संतुष्टि की तो अब कमलनाथ जी ने जो प्रभार दिया है वो तो उनको स्वीकार करना होगा। हालांकि बात करें उनके गृह जिले की तो गृह जिले में उनको बहाल भी कर दिया गया धार से, और महू में भी उनकी और बड़ी एक चुनौती होगी उनके लिए, क्योंकि महू भी नई जगह है एक जहाँ पे विधानसभा पे उनका प्रभारी बनाया है। ठीक है, क्या लगता है कि कांग्रेस के अंदर खाने जो भीतरघात का डर उनके जरिए था, अब इससे और ज्यादा थम जाएगा वो? बिल्कुल, एक भीतरघाट का जो डर था वो तो उन जो प्रत्याशी है उनसे थम ही जाएगा, और महू में जो जिम्मेदारी है तो महू की भी जिम्मेदारी काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं गजेंद्र सिंह जी। अब देखना महू में देखना ये होगा कि क्या वो सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि कई सालों से बीजेपी का दल रह चुका है वहां पर, खिलाफ विजयवर्गीय भी विधायक रहे, अब महू से ऊषा ठाकुर जी भी विधायक थी और फिर ऊषा ठाकुर को वहां से चलिए मानने मनाने की और मान मनवल की जो कोशिशें हैं कुछ जगहों पर कामयाब हो रही है कुछ जगहों पर नहीं, लेकिन यहां पर कम से कम उनको नई जिम्मेदारी देकर के इसे थामने की कोशिश है। आशीष, नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।